टाइम में हर मजदूर के साथी के पास स्मार्टफोन है, हर मजदूर साथी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के द्वारा आप अपने प्रोग्राम का न्यूज देख सकते हैं। जितने टीवी चैनल हैं ये मजदूरों के समाचार को नहीं दिखाते हैं, गरीब के समाचार नहीं दिखाते हैं, ये मोदी जी की चाय पार्टी दिखा देंगे और बड़े बड़े राजनेताओं को किसी पार्टी में जाएंगे भी दिखा देंगे, लेकिन मजदूरों के संघर्ष को कभी भी नहीं दिखाते। मजदूरों की लड़ाई ये मीडिया के अंदर आए पीछे क्या है कि मजदूर चाहे तो साथियों तो आपका ये कामगार इंडिया मजदूरों की इतनी नींद आती है वो अपने टेलीफोन दिखाते हैं। जो आपका आज का प्रोग्राम है ये कुछ दिन के बाद इतने साथी बैठे अपनी अपनी फोटो देखने के तो आपकी सोशल कार्रवाई चलती है, आपका बेसिक तस्वीर काटता है, खाने मालिक ऐसा करते हैं आपकी बेसिक सैलरी कम दिखाकर उस तस्वीर काटता है ताकि इसलिए कि आपका पैसा कम करना है, शेयर कम देना पड़े मालिक को। कई कारखानों के अंदर पूरे वेतन का पैसा आपसे 12% तक लिया जाता है, लेकिन आपका फेस स्लिप नहीं अपना शेयर कब देगा आप में शेयर मिला देगा, 30% शेयर जमा होना चाहिए, लेकिन आपका कर लेगा 12%, अपना कर लेगा 4%। ये बहुत सब जो सारी छोटी छोटी बातें हैं आपको जानकारी रखने की जरूरत है। मजदूरों के लिए देश के लिए अपनी नौकरी के पर बात कर रहा है, इसलिए अगर ये सच्चा होता तो पहले ही आपको जैसे आप आए थे एक घंटे बाद आपको बुलाया होता और कहा होता कि भाई आपकी समस्या क्या है, आपका समस्या जो है उसका हम समाधान करवाते हैं और अपने अधिकारियों को बुला के उनको बताता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसको तो पैसा चाहिए, केवल पैसे के लिए परेशान है, कैसा है उन पैसा कितना देंगे तब उसका प्रमोशन करूंगा। जितने छोटे अधिकारी हैं उन छोटे अधिकारियों के कहना है कि जब तक पैसा नहीं मोटा लेता तब तक भैया प्रमोशन ही नहीं करता, तो हमारी मजबूरी है कि पैसा कंपनियों से लाके इसको देना। इसलिए साथियों इसके लिए तगड़ा से नारा लगाओ ताकि इसको सुनाई दे कि पहले जैसे दो आदमी से पांच आदमी से बुला लिया, ऐसे हो सकता है कि आपका जो पीएफ कटा हुआ है कंपनी मालिक काट काट के रखे हुए है, हो सकता है ये दबाव दे तो आपका पैसा जो कटा हुआ है वो जमा हो जाए, नहीं तो भैया ये सुनने वाला नहीं है। इसलिए साफ साफ ताकत से वो काम फिर लगा दो जोर से। इंकलाब जिंदाबाद।